हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल दैनल आईम रेनुका तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक वायरल वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे एक्चुअली इसका मुझे एक्जैक्ट नाम नहीं पता है बट मैं टाइटल में ऐड कर लूंगी आप देख लेना इस ट्रेंड का नाम तो so, ऐसा जरूरी नहीं है इस वीडियो को बनाने के लिए आपको कपल होना जरूरी है अगर आपका कोई सेलिब्रिटी क्रश है कोई बाइक है कार है कुछ भी आपके पसंद का है आप उसको यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रेड कलर का सब्सक्राइबर दबाना मत भूलना है नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना और अगर आप वीडियो एडिटिंग रील इंस्टाग्राम में इंटरेस्टेड है तो ये सारी की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल मिल जाएगी साथ ही साथ अगर आप भी देखते हैं, तो आपको इस चैनल में ब्लॉग्स भी मिल जाएगा और लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन में कर दूंगी और अगर आप मेरे ट्यूटोरियल की हेल्प से कोई भी वीडियो क्रिएट करते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो प्लीज डू टैग मी वीडियो स्टार्ट करते हैं इसमें आपको कुछ थ्री पिक्चर्स चाहिए होगी फर्स्ट जो स्टार्टिंग में एक कपल की पिक्चर आती है वो चाहिए होगी आपको सेकंड आपकी एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर चाहिए होगी एंड थर्ड जिस भी पर्सन या जिस भी चीज को आप मेंशन करना चाहते हैं उसकी फोटो चाहिए होगी इस वीडियो में मैं खुद को एंड जस्ट बीवर को रखने वाली हूँ क्योंकि एक टाइम पे वो मेरा काफी ज्यादा तगड़ा क्रश था क्योंकि अभी मुझे कोई ऐसी यूनिक चीज याद नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर उसको मेंशन करूँ और जैसे कि इंडिया में बीटीएस का बहुत क्रेज है अगर आप बीटीएस फैन है तो आप यहाँ पर किसी भी बीटीएस मेंबर को भी रख सकते हैं ये सब आप लोग तो गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पिंट्रस्ट जो की मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पिंट्रस्ट ऐप ओपन करेंगे सर्च पे टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने पहली सर्च कर लिया था ताकि मैं आपको इजिली तरीके से बता सकूँ जैसे आपने नोटिस किया होगा जो इस वीडियोज में कपल की फोटो यूज है ना वो ज्यादातर फेसलेस है तो वो ज्यादा अच्छा भी लग रहा है तो हम यहाँ पर करेंगे इसमें से जो आपको पसंद आता है आप उसे डाउनलोड कर लेना एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है बट यहाँ पर मैं आपको एज अ एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं आपको इस थ्री डॉट पर टैप करना है यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको डाउनलोड इमेज टैप करना है तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी देन सेकंड जस्टिन व्यूवर की मुझे फोटो चाहिए सर्च पर टैप करना आपको जिसकी भी फोटो चाहिए ना यहाँ पर उसका नाम सर्च कर लेना यहाँ पर फोटोज आ गई वीडियो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं सारी फोटोज हमारे पास आ चुकी है अब स्टार्ट करते हैं एडिटिंग और आज एडिटिंग के लिए हम यूज करने वाले वी एन ऐप वी एन ऐप ओपन करेंगे प्लस के साइन पर टैप करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे फोटो पर टैप करेंगे ये वाली फ़ोटो डाउनलोड की थी एंड प्लस में एक जस्टिन बीबर की फ़ोटो एक मेरी फ़ोटो डन सबसे पहले हम सारे फुटेज़ को रील के साइज में कन्वर्ट करेंगे ऑरिजिन पर टैप करना है एन ईस टू सिक्सटीन सेलेक्ट करना है ये हमारा रील का साइज़ होता है देन इसमें हमें सॉन्ग एड करना है प्लस के साइन पर टैप करना है म्यूज़िक पर टैप करना है मैंने ऑलरेडी सॉन्ग डाउनलोड किया हुआ है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर लूँगी डन फर्स्ट फोटो में कंट्री फ्लैग प्लस में bon है बट पर मैं ओनली फ्लैग उसके लिए हमें प्लस के साइन पर टैप करना है इमोजीज ओपन करना है एंड सीधा फ्लैग में आना है जस्टिन बीवर कैनेडा में बॉर्न bon हुआ था तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये फ्लैग है थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं टैप करके ड्रैग करेंगे इधर सेकंड फ्लैग गर्ल के ऊपर आएगा तो सेम और फर्स्ट फोटो का ड्यूरेशन होगा फोर पॉइंट सिक्स वन सेकेंड और ये अभी जीरो पॉइंट ट्वेंटी टू सेकेंड का है दैट्स मीन मुझे इसे इंक्रीज करना है तो आपको फोटो पे टैप करना है राइट right साइड में जो आ है उसे टैप करके राइट साइड ये ड्रैक करना है ड्रैक करने से ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है फ्लैग्स की लेंथ भी फर्स्ट फ़ोटो जितनी रहेगी इतनी फ्लैग पर टैप करेंगे स्प्लिट करेंगे एंड एक्स्ट्रा पार्ट को टैप करके डिलीट कर देंगे सेम नीचे में भी यही करना है आपको इसके बाद आपको फर्स्ट फ़ोटो पे दोबारा टैप करना है और इसको डुप्लिकेट कर देना है अब फ़ोटो पे टैप करना है एक और बार और इसको अब हमें जूम करना है तो टू फिंगर को स्क्रीन पर रख के आउटसाइड स्ट्रेच करेंगे तो ये जूम हो जाएगा थोड़ा इसको हम सेंटर पे ले आते हैं इसकी लेंथ होगी वन पॉइंट फोर फोर सेकेंड सेम तरीके से इसकी लेंथ इंक्रीज़ करेंगे हम जैसा अभी मैंने बताया था इसके बाद आती है जस्टिन बीवर की फ़ोटो जिसकी लेंथ होगी वन पॉइंट एट जीरो सेकेंड फ़ोटो पर टैप करके सेम तरीके से इंक्रीज़ कर लेना है पीछे आना है इसी फ़ोटो पे टैप करना है डुप्लीकेट करना है और इसको अब हमें मूव करना है मूव करने के लिए आपको फोटो पे टैप एंड होल्ड करना है तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा देन आपको ये राइट साइड ड्रैग कर फोर्थ प्लेस पे लेके आना है डन फोटो पे टैप करना है और इसको थोड़ा सा आपको मूव करना है जिसमें आपको ओनली गर्ल की फ़ोटो दिखेगी फोर्थ फोटो की भी लेंथ होगी 1.44 पॉइंट फोर सेकेंड इसके बाद लास्ट फोटो आएगी मेरी फोटो तो इस फोटो की लेंथ होगी हमारे सॉन्ग जितनी जितना हमारा रिमेनिंग सॉन्ग रह गया है इसको टैप करना है और सेम तरीके से इंक्रीज करना है और आप जब भी वी ऐप में एडिटिंग करते हैं तो ये ब्लैक स्क्रीन ऑटोमेटिकली एड हो जाती है इसे याद से टैप करके डिलीट कर देना हमारी वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है इसमें हमें कुछ इफेक्ट्स एड करने हैं जस्ट वीवर की फोटो स्टार्ट होने से पहले मतलब थर्ड फोटो स्टार्ट होने से पहले जो प्लस का साइन है उस पर आपको टैप करना है यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे रोटेट रिवर्स तो जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर लेना तो मैं यहाँ पर जूम रखने वाली हूँ इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं डॉट पे टैप करके आपको राइट साइड ड्रैग करना है तो वन पॉइंट टू फाइव सेकेंड सेम जब मेरी फ़ोटो आने वाली होगी उससे पहले प्लस के साइन पर टैप करके सेम जूम इफ़ेक्ट ऐड कर रही हूँ एक्सपोर्ट पर आपको टैप करना है सेव टू एल्बम तो ये था आज का ट्यूटोरियल आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय